हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं सोनपुर मेला में आया हूं, घोड़ा बाजार में। और मेरे पीछे ये जो आप घोड़ा देख रहे हैं ना, इस घोड़े की आप हाइट देख सकते हैं। और दौड़ने में ये सबसे, मतलब अभी मेले में देखेंगे एक से एक आपको घोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे खासियत जो है इस घोड़े की है, क्या खासियत है, इसका क्या नाम है, हाइट कितनी है, ये सब मैं आपको बताऊँगा कौन सा नस्ल का है। तो बहुत ही अजीब सा घोड़ा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है ना, इसके जो मालिक है उनसे बात करा देता हूँ। तो आप है ना जी, तो बताइए इस घोड़े का। सबसे पहले तो आप नाम बताइए कि क्या नाम है इसका। नाम है इसका AK-56 है। AK-56। और कौन सा नस्ल का है? सिंध नस्ल का। सिंध नस्ल का है। और इसकी हाइट क्या रही होगी? हाइट अभी 65 इंच है, अभी बच्चा है, 3.5 साल का भाई। अच्छा, साढ़े तीन साल का। 3.5 साल का है, 3 इंच और बढ़ेगा इसके, 58 इंच 69 हो जाएगा। अच्छा, और इसके बारे में कुछ खासियत? और खासियत, चाल अभी चलता है, चाल में 40-42। और सबसे देखिए इसकी हाइट देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, मेरा भी लमसम में करीब देखेंगे तो 5.8 का है, लेकिन आप देख सकते हैं। और मैं अभी जहाँ भी घूमा हूँ मेला में, देखेंगे तो करीब 5000 से ऊपर घोड़ा है। लेकिन इस घोड़े का खासियत, इस घोड़े की बात कुछ अलग है, इसलिए मैं सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो आप इसको कहाँ से लेके आए हैं? हम राजस्थान से लाए। राजस्थान से लाए जी। और राजस्थान इसका क्या प्राइस रखे हैं? प्राइस अभी नहीं लगे हैं, चार कोई आदमी आ रहे हैं 20-25 लगा रहे हैं, लेकिन हम बोले कि हमको बेचना नहीं है करोड़ों 25 लाख। लेकिन हम बोले कि हमको करोड़ों में अभी बेचना मतलब नहीं है। करोड़ का घोड़ा है ये? हाँ, करोड़ों में नहीं बेचेंगे। करोड़ों में नहीं बेचेंगे। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि इस घोड़े की अगर हम बात करेंगे तो अभी तो 1 करोड़ रुपया इनका कहना है, लेकिन इनका मकसद है सिर्फ, मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए लाए हैं, प्रदर्शनी के लिए। हाँ, दिखने, अगर बेचने के मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक देखेंगे तो घोड़ा बाजार में आपको ये घोड़ा जो अगर आप आते हैं तो ये अजीब सा घोड़ा है। और सबसे देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं, हाइट देख लीजिए, इस घोड़े की हाइट देखिए। और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये जो है दौड़ती भी है। और इसकी और कुछ खासियत है तो उसके बारे में आप बताइए। और खासियत, इतना लंबा ऊंचा इस नस्ल में घोड़ा नहीं होता। कौन सा नस्ल बताइए एक बार फिर? सिंध नस्ल का है। ये अजूबा चीज़ है, समझे ना, इस नस्ल में ये अजूबा चीज़ है कि इतना लंबा ऊँचा घोड़ा मिल गया है। जी जी, 60 इंच बहुत तो घोड़ा इसका बढ़ता है इस नस्ल का, लेकिन अभी ये 65 है, 2-3 इंच और बढ़ेगी अगले साल तक। यही अजूबा है। कहने का मतलब, अगर कोई 1 करोड़ भी देगा तो आप उसको नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया अगर आप लेके आएंगे फिर भी आपको ये घोड़ा नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप देख सकते हैं, फोटो वीडियो अगर क्लिक करवाना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो 1 करोड़ में भी ये घोड़ा जो है मिलने वाला नहीं है। पटना का है जी, पटना सिटी कच्ची दर का मारूगंज। अच्छा अच्छा, तो सोनपुर मेला अगर आप आते हैं तो आप एक बार ये इस घोड़े के पास जरूर आइए और एक बार इसका जो है दर्शन कीजिए आप। बाकी आपको जो है अलग अलग टाइप का घोड़ा, अलग अलग नस्ल का घोड़ा सोनपुर मेला में देखने को मिलेगा। मैं सब बारी बारी से आपको, अगर घोड़े में मतलब 5000 के ऊपर घोड़ा है उसमें अगर कुछ अच्छा घोड़ा होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो यही है, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर 1 करोड़ का घोड़ा, तो यही है 1 करोड़ का घोड़ा। और नाम भैया एक बार फिर से बता दीजिए नाम। AK-56 नाम है। तो आप समझ लीजिए, AK-56 का नाम सुन के आपके दिमाग में आ चुका होगा कि क्या चीज़ है AK-56। तो देखिए, जैसा AK-56 नाम है ना, वैसा ही इसका काम भी है और देखने में भी सेम एकदम AK-56 की तरह ही लग रहा है एकदम पूरा। इसके बारे में तो आप बताइए नहीं कि क्या जीता है नहीं जीता है। 3 गो रेस जीता है, बच्चा रेस में, मतलब सियाना रेस था ना तो मजाक से ही डाल दिए थे तीनों रेस में, तो जीत गया, 3 रेस जीत गया। तो दोस्तों, ये अभी तक जो है 3 रेस में गया है और 3 रेस में जो है जीता है। और आपके पास देख रहा हूँ 2 घोड़ा और भी है उस साइड में, वो भी सुल्तान घोड़ा है। चलिए एक बार उसको भी दिखाइए आप। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है इसके बगल में 2 घोड़ा और भी है। ये सब, ये कौन सा नस्ल का है? ये अपना बिहार का ही बच्चा है। बिहार का ही है। हाँ, दोनों ही सेम है, दोनों अलग अलग नस्ल का, सेम नस्ल अलग नस्ल का है। ये खगड़िया नस्ल में, अपने बिहार में ही होता है ना। अच्छा अच्छा, उसी का नस्ल का। और वो वाला, ये 22 रेस जीत गया है। 22 रेस। वाह, दिखेगा ना, ये इसका उम्र होगी 8-9 साल। तो वैसे घोड़े का उम्र कितना रहता है लमसम में? उम्र इसका आयु 25 साल है। 25 साल जी। वो कौन सा नस्ल का है? वो सिंध नस्ल का है, हाल फिलहाल में खरीदाया है। अच्छा, मतलब तीनों घोड़ा ही है जी? तीनों घोड़ा, वो बच्चा है, परसों आया है, राजस्थान से ही मंगाया गया उसको। वो कितने साल का है? वो अभी साल में 1 साल का बच्चा है। 1 साल का बच्चा है जी। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, इनके पास 3 घोड़ा है और मैंने आपको पहले ही दिखाया, ये 1 करोड़ वाला घोड़ा देख सकते हैं। और बाकी देखेंगे तो 2 घोड़ा और भी है, उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कैमरा पर्सन को मैं बोलना चाहूँगा, ये घोड़ा दोनों को दिखाइए थोड़ा, ये देख सकते हैं। और घोड़ा के बारे में मैं, मतलब घोड़ा काटता भी है क्या? नहीं काटता है, लेकिन ये सब नहीं काटता है। अच्छा, ये सब काटता नहीं है, इसको छू सकते हैं? ये सब साधु बच्चा, ये सब नहीं काटता है, काटने के लिए काटता है। इधर इसको छूइए, इसको। क्या नाम है इसका? इसका भी नाम नहीं रखा। नाम नहीं, नाम इसे साधु रख दीजिए, इसका सही रहेगा।
बहुत शांत घोड़ा लग रहा है। शायद हो सकता है कि अभी आया है ना, शायद नए लोकेशन पे परसों आया है, तो थोड़ा इस मतलब इसमें घुला मिला नहीं इस वजह से। अभी परसों आया है राजस्थान से। तो देख सकते हैं इनके पास तीन घोड़ा है और तीनों घोड़े की कुछ अलग अलग खासियत है। तो एक बार अगर सोनपुर मेला आते हैं तो आप यहाँ इस लोकेशन पे आइए, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।